आईफोन में कैमरा में ग्रीन डॉट कैसे हटाएं? जी दोस्तों, अगर आपके आईफोन के कैमरा के अंदर या दोस्तों यहाँ पे लेंस है उसके अंदर या फिर कैमरा ऐप में आप जो फोटोग्राफ वीडियोग्राफ बनाते हो तो उसके अंदर ग्रीन डॉट दिखाई दे रहा है, ग्रीन बिंदु दिखाई दे रहा है, हरा रंग का बिंदु दिखाई दे रहा है, तो उसको कैसे हटा सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में कम्प्लीट बताऊँगा। और ये क्यों आता है और इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, ठीक है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बनी रहे जिससे आपको समझ में आ जाए कि आप जो अपने आईफोन में कैमरा में ग्रीन डॉट है उसको कैसे हटा पाओ, कैसे रिमूव कर पाओ। तो चलिए सीखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो क्यों आता है अधिकतर, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आप जो है ऐसी एलईडी लाइट या फिर डीजे वगैरह जो वहाँ पे बजता है वहाँ पे जो है एलईडी लाइट्स वगैरह लगा रहता है वहाँ पे जाके वीडियो वगैरह शूट करते हो तो जो है लेज़र लाइट, जो आपको पता होगा लेज़र लाइट किसको बोलते हैं, जो कि डीजे या फिर क्लब्स वगैरह जहाँ पे आप जाते हो पार्टी सार्टी करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे लगा रहता है लाइट्स वगैरह, लेज़र लाइट वगैरह, ठीक है। या फिर आप जो है किसी की शादी पार्टी में भी जाते हो तो वहाँ पे भी डीजे वगैरह लगा रहता है, लाइट्स वगैरह लगे रहते हैं। तो कुछ जो है लाइट ऐसे रहते हैं जो लेज़र लाइट होते हैं वो अगर आपके आईफोन के कैमरा के यहाँ पर पड़ते हैं तो वहाँ पर लाइटनिंग का जो है इफ़ेक्ट के कारण, ठीक है, यहाँ पर दिक्कत आता है, ठीक है ना। तो या फिर आप जो है कभी भी अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है तो आप याद कि आपने जो है कहीं पे ऐसा फंक्शन या फिर सेलिब्रेशन यहाँ पे सेलिब्रेट तो नहीं किया जहाँ पे इस तरीके का लेज़र लाइट डीजे वगैरह क्लब वगैरह पे जहाँ पे रहता है वहाँ पे आपने जो है वीडियो वगैरह रिकॉर्ड तो नहीं किया। अगर आपने वीडियो वगैरह फोटो वगैरह क्लिक किया भी होगा और उस टाइम जो है लेज़र लाइट यहाँ पे पड़ा होगा तो इस तरीके का डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम तो इस तरीके से आ जाता है, मैंने आपको बताया क्यों आता है प्रॉब्लम, ठीक है। मैं आपको एक मेरा छोटा सा कहानी सुनाने वाला हूँ कि मेरे साथ कैसे यहाँ पर मेरे को फर्स्ट टाइम मेरे को पता चला कि आईफोन में कैमरा ऐप के अंदर या फिर कैमरा में भी ग्रीन डॉट आता है करके मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है दोस्तों जिसने क्या बोलते हैं आईफोन ले रखा था और वो शूटिंग वगैरह करता है, ब्लॉग वगैरह वीडियो बनाता है, ठीक है ना। तो वो जो है ऐसी शादी पार्टी पे या फिर डीजे क्लब वगैरह जहाँ पे वहाँ पे जाते रहता है तो वहाँ पे उसने जो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड वगैरह किया था, ठीक है ना। तो उसके बाद उसने जो अपना जो आईफोन है उसको जो है सेल किया, ठीक है, शॉप पे जाके सेल किया, दुकान पे जाके सेल किया। तो वहाँ पे दुकान वाले ने अच्छे से बारीकी से चेक किया कि इस फ़ोन पे कोई डिफ़ॉल्ट तो है कि नहीं, क्योंकि वो लोग जो है अब ख़रीदने वाले थे, ठीक है, तो हम उनको बेचने वाले थे। तो वो अच्छे से चेक किए कि क्या डिफ़ॉल्ट वगैरह तो नहीं है, उसी के हिसाब से वो बजट बताते कि इतने रुपये में हम आपका आईफोन सेल लेंगे करके, ठीक है। तो वो चेक किए और वहाँ पर उन्होंने बताया कि आपके आईफोन में कैमरा के अंदर ग्रीन डॉट है करके। तो मैंने उससे पूछा कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है, इसका सोल्यूशन क्या है करके। तो उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम इसीलिए आता है कि अगर आप जो है जो मैंने आपको बताया प्रॉब्लम क्यों आता है वो बताया उन्होंने, ठीक है। तो आप उनसे बचे दोस्तों, डीजे क्लब्स वगैरह अगर आप जाते हो तो वहाँ पे फोटो वीडियो वगैरह आप जो रिकॉर्ड करते हो तो देख के करिएगा, जहाँ पे लाइट वगैरह आपके डायरेक्ट आपके कैमरा के अंदर ना पड़े, ठीक है। अगर कोई ग्रीन डॉट आ भी गया है तो आप ध्यान रखें कि और आपको ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब है, इस वजह से आता है ग्रीन डॉट और आपको कैसे सेफ रहना है मैंने आपको बता दिया और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन तो कुछ नहीं है दोस्तों, परमानेंट सॉल्यूशन एक है, अगर ये आपका ठीक नहीं होता है तो आपको एप्पल सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई यहाँ पे और ऑप्शन नहीं है। या तो आप भी मेरे दोस्त की तरह अपना जो आईफोन है उसको जो है सेल कर दें और एक नया आईफोन अपने लिए ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ स्टेप जिसको आप फॉलो करके ये जो ग्रीन लाइट वाला जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो। अगर नहीं होता तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एप्पल सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। चलिए सीखते हैं दोस्तों आईफोन में कैमरा पे ग्रीन डॉट कैसे हटाते हैं करके। तो सबसे जो पहला जो ऑप्शन है जो कि रहेगा दोस्तों, आप जो है एक बार अपना आईफोन को शट डाउन करें। शट डाउन करना तो आपको पता होगा, इस तरीके से लॉक बटन और वॉल्यूम अप के बटन को प्रेस करके आप जो अपने आईफोन को यहाँ पे शट डाउन कर देंगे, पावर ऑफ कर देंगे और दोबारा से इसको चालू कर लेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हटा है कि नहीं, ठीक है, और हट जाए रहेगा तो अच्छी बात है दोस्तों। अब चलिए और यहाँ पर सीख लेते हैं और कौन कौन तरीके से आप जो है इसका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो।
अगर आप आईफोन में कैमरा के अंदर ग्रीन डॉट देख रहे हो सकता है ये हार्डवेयर इशू हो या फिर कैमरा लेंस पर कुछ पार्टिकल हो। आप ये स्टेप फॉलो करके देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि सबसे पहला स्टेप रहेगा जो कि स्विच ऑफ करके मैंने आपको बताया शट डाउन करके। दूसरा स्टेप रहेगा दोस्तों लेंस को साफ करें, एक सॉफ्ट जो है एंट फ्री मतलब गंदगी फ्री आपका जो क्लॉथ होना चाहिए जिसमें आप अपने कैमरा लेंस को अच्छे से आराम से साफ कर सकें। डस्ट या फिर कोई पार्टिकल रहता है ना उसी की वजह से भी कभी कभी यहाँ पे ग्रीन डॉट दिखाई देता है, ठीक है ना, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, लेंस की सफाई आपको करना है अच्छे से कपड़े की मदद से, क्लीन कपड़ा लेना है आपको। तीसरा जो स्टेप रहेगा दोस्तों जो है दोस्तों कैमरा ऐप को आप रीसेट करें। कैमरा ऐप को रीसेट करने के लिए आप अपने आईफोन में सेटिंग ऐप को ओपन कर लें। सेटिंग ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैमरा ऐप का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कैमरा ऐप का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से आप इसका जो सेटिंग रहेगा उसको आप रीसेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको रीसेट करने का कोई बटन नहीं दे रहा है लेकिन आपको ढूंढ लेना है और कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो कि आपका काम बन सकता है, एक है आपका अपने आईफोन को रीसेट करना। जी दोस्तों, रीसेट करने पे 99% जो भी प्रॉब्लम रहता है आपके आईफोन का वो सॉल्व हो जाता है। हो सकता है दोस्तों कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच या फिर कोई दिक्कत की वजह से यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम आया है, तो आप एक बार अपना आईफोन उसको रीसेट कर दे। रीसेट करने के बाद आपका जो आईफोन है वो एकदम फ्रेश नए कंडीशन की तरह ओपन होता है, आपको पता होगा सॉफ्टवेयर, तो हो सकता है आपका ये प्रॉब्लम वो भी ठीक हो जाए। ठीक है, तो रीसेट आपका एकदम इम्पोर्टेंट वाला रोल यहाँ पे करता है, तो आप एक बार रीसेट करके देखिए आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट, कभी कभी क्या होता है आपका जो है सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं रहता, सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट, तो भी इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। तो उसको लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप अपने आईफोन में सेटिंग ऐप ओपन करें और यहाँ पर आप चले जाए जनरल पे। जनरल पर जाने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट, इस पर क्लिक करके आप चेक करें कि आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट है कि नहीं। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर दें। कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने की वजह से भी प्रॉब्लम आता है। दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो में बताया कि आप जो है कैसे अपने आईफोन में कैमरा अंदर जो ग्रीन डॉट है उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हो करके। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इन सभी स्टेप को आपको फॉलो कर लेना है। अगर इसके बावजूद यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है तो जैसा कि मैंने आपको बताया आपको एप्पल सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, तभी आप इसका प्रॉब्लम ठीक कर पाओगे। या फिर आप जो बेस्ट है इसका उपाय है रीसेट करके देखो, रीसेट में आपका काम बन गया तो बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को आप जल्द सेलेक्ट कर लेना, इससे क्या होगा हमारे और भी नए नए के वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं ऐसे और नए कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को आज भी सिलेक्ट करें, इससे क्या है मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। दोस्तों दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, इसलिए दोबारा आपको बता रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आज भी सिलेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।